Hello everyone, this is me Haneen and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing fine and great. And look at this, yeah, I'm flying the helicopter. That was really fun. Yeah, actually पता क्या, जब जहाँ पे हम लोग ग्रॉसरी करते हैं ना, उसके सेकेंड फ्लोर पे ये था और हमें कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे भी है. आज तो वैसे ही रैंडमली मैंने कहा चलो सेकेंड फ्लोर पे भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है. हमें लगा था जस्ट ऊपर पार्किंग है और नीचे जस्ट ये ग्रॉसरी एरिया, लेकिन जब हम ऊपर गए तो दैट वॉज अ प्ले एरिया. मैंने वैसे सुना था यहाँ पे है लेकिन कभी वहाँ पे गई नहीं, तो मैंने कहा चलो रयान रायना को वैसे भी वीकेंड है तो यहाँ पे ले जाते हैं. तो फिर रयान सो रहा था तो मैंने कहा चलो एक राइड मैं भी ले लेती हूँ. और जब ये मैंने हेलीकॉप्टर देखा ना, मैंने कहा यार यही वाली राइड मैंने लेनी है. और सीन ये क्या हुआ, मुझे लगा ये जो हेलीकॉप्टर है ना छत पार के ऊपर चला जाएगा और मैं इस तरह से बर्ड्स वगैरह लगाई थी जब, लेकिन ऑन किया इसमें टोकन डाला तो ये बस बच्चों की तरह गोल गोल घूम के बस हो गया. एनीवेज आज मैं आप लोगों को ऐसी जगह दिखाती हूँ, तुम लोग सोचोगे यार जापान जैसे एडवांस कंट्री और मॉडर्न कंट्री में भी ऐसी चीज़ें. यस बिल्कुल है. सो ये है जापान की रिसाइकल शॉप. या लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब सन लाइट भी थी और इन लोगों ने अपनी भी लाइट्स लगाई थी और ये है भी ग्लास के अंदर थे तो सही तरह से प्राइस टैग मुझे नजर, बल्कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही थी, नज़र तो आ रही थी. सो ये यहाँ पे जो बैग्स हैं गुची फैंडी चैनल एलवी के सारा कुछ यहाँ पे था, ये सिर्फ ग्लास के अंदर ही थे. पता नहीं सही तरह से प्राइस नज़र आ रही है नहीं, ये 2,78,000 का था. ये स्कार्फ वगैरह है, ये भी गुची और एलवी के थे और इस तरफ एलवी और गुची वगैरह के हैंड कैरीज थे. पर्सनली आई डोंट लाइक स्पेंडिंग टू मच ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स. मतलब यार खुद सोचो 4 लाख का बैग, मतलब यार 4 लाख का बैग ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी ख्वाहिश होती है, अपना शौक होता है, लेकिन आई डोंट लाइक टू स्पेंड too much on these type of thing. मतलब एक दफ़ा आपने बैग लेना है तो आप दूसरी दफ़ा तो नहीं लोगे ना, तो फिर मतलब चलो. एनीवेज ये इस तरह की यहाँ पे रिसाइकल शॉप पे ये ग्लास के अंदर होते हैं. अच्छा जापान में जो है ना क्रॉकरी वो नंबर वन मानी जाती है. अब देखो ये एक टी सिर्फ एक पेच है और कप है, उसकी प्राइस है 8,800. ये एक वाइन ग्लास है और एक ग्लास की प्राइस 15,000, मतलब पाकिस्तानी 30,000 का एक वाइन ग्लास है. और ये इस तरफ सारी क्रॉकरी है और ये प्लेट्स वगैरह, ये जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया ये शायद किसी ब्रांड के थे, मैंने सही से पढ़ा नहीं था. यहाँ पे ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं तो लोग वो यहाँ से अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो रिसाइकल शॉप, मतलब अगर सही वाले होते हैं ना तो वो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. अब आ जाते हैं फर्नीचर पे. ये काउच है, इसकी प्राइस थी आई थिंक 50,000 पाँच मान की थी. लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, बल्कि मैंने उस टाइम भी नोट किया था, लेकिन अब फिर ऐसी वीडियो बनी तो मैंने कहा चलो लेट्स अपलोड. और ये दो यहाँ पे बेड लगे हुए थे. अच्छा यहाँ पे ना जापान में क्योंकि घर बहुत छोटे होते हैं तो डबल बेड भी जो है ना बहुत बहुत रेयर चांसेस में आपको मिलते हैं. यहाँ पे क्वीन और किंग साइज होता है, जो किंग साइज़ है वो बहुत रेयर चांस पे आपको मिलता है, बाकी क्वीन होता है क्योंकि यहाँ पे घर बहुत छोटे होते हैं और रूम्स भी ऑफ कोर्स उस हिसाब से छोटे होते हैं, तो फिर आप लोगों को डबल बेड काफ़ी मुश्किल से मिलता है. अच्छा यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये देखिए, ये एक डेस्क है और इसके अंदर से चीज़ देखिए ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पता ही नहीं चलता कि ये रिसाइकल है, मतलब ऑलरेडी पहले यूज़ हुआ हुआ है. ये इसके अंदर से ड्रॉर्स में आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है. ये साथ आगे टेबल है. ये अब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि लोग अपने पूरे पूरे घर खाली करके ना दूसरी कंट्री में मूव हो जाते हैं, तो बस वो एजेंसीज को कॉल करते हैं कि जी आप हम लोगों के जो चीज़ें हैं वो आके यहाँ से रिसीव कर लें और हम लोगों ने मतलब घर खाली करके कहीं जा रहे हैं, तो फिर वो उनकी हेडेक नहीं होती, वो कंपनी वालों की हेडेक होती है, वो आगे कंपनी वाले इन जगहों पे आके सेल कर देते हैं. और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं. अगर नहीं भी होते तो फिर ये जो रिसाइकल वाले होते हैं ये उनको अच्छी तरह से वॉश वगैरह करके उनकी क्लीनिंग करके दोबारा से यहाँ पे चीज़ें लगा देते हैं. ये इस तरफ थे फैंस वगैरह, एसी, हीटिंग, माइक्रोवेव, मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पर. वॉशिंग मशीन्स थी, हीटर्स हैं, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है जो भी आपको चाहिए. अच्छा मैंने ये वाला हीटर, मुझे ये बहुत पसंद आया था जब हम लोगों ने न्यू अपने घर शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे सर्दियाँ थी, और ये था 20,000 येन का, लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि ये सिर्फ लाइटिंग थी, इसकी हीटिंग इतनी नहीं थी, तो मतलब ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए ही था, प्यारा लग रहा था. अगर आप लोगों ने डेकोरेशन के लिए लेना ना तब ये आपके लिए बेस्ट था, अगर आपको हीटिंग करने के लिए लेना है तो ये बेस्ट नहीं था. ये आगे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लगी हुई थी. ये हेडफोन्स है, इसकी कॉस्ट थी 33,000. नीचे एयरपॉड्स वगैरह लगे हुए थे,
ये इन्होंने ना अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे फ़ोन्स भी थे, मतलब आईफोन भी था, डिफरेंट किस्म के फ़ोन्स थे, लैपटॉप्स और LEDs, मोनीटर्स, सारा कुछ अवेलेबल था। जापान में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो यहाँ पे इन लोगों ने स्पोर्ट्स की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगाई थी। यहाँ पे स्पोर्ट्स की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे रिसाइकल, लेकिन ये जो शॉप है रिसाइकल शॉप, ये नहीं ओपन हुई थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉस्टली थी। जैसे गोल्फ का पूरा सेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी एक्सपेंसिव था। और ये आगे आ जाता है, आउटडोर कैंपिंग के लिए इन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी, चेयर्स थी, बारबेक्यू का सारा सामान था, और हर चीज़ मतलब अवेलेबल थी। ये सामने आगे आ गया है म्यूज़िक वाला, और ये साथ में है, ये पियानो थी, गिटार्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग गिटार भी यूज़ करते हैं। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है, हाँ यार दुनिया के कैसे कैसे शौक है, ये काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना ड्रेसेस भी होते हैं, ये भी सारे ब्रांड्स के थे। देखिए लोग यहाँ पे, अभी मैं ऑफ टाइम में आई थी तो यहाँ पे इतना रश नहीं था, बट लोग यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग बैग्स भी थे, मतलब दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे थी। मतलब आप लोग देख लो, जो नेसेसरीज थी यहाँ पे तो यहाँ पे अवेलेबल थी। आपके प्राइस दिखाई थी मैंने इस बैग की 8,000 थी, और ये दोबारा से मैंने कहा थोड़ा सा शॉर्ट ले लूँ, लेकिन फिर भी वही लाइटिंग की किसी भी एंगल से सही तरह से नहीं आ रहा था।